किर्गिस्तान दे विच कैटलबैल दी वर्ल्ड चैंपीयनशिप हुई। डेराबस्सी दी रहन वाली सुषमा बाजवा ने 4 गोल्ड मेडल जीते ने। टफ कंपटीशन बहुत है बिकॉज इस कंपटीशन में 12 जो है कंट्रीज से एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। आप दे विच ना चंडीगढ़ ना पंचकूले दे विच कोई होर खिडारी नहीं है कैटलबैल दा, की कारण मानदे इस दे विच तुसी इकलौते ही हो? पंजाब के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं आया है जिन्होंने जो आगे बढ़ के इस स्पोर्ट को पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि उसकी कोई जानकारी है नहीं। 30 kg टोटल वेट जो है वो आपको एक बार में उठा के ऊपर ले जाना होता है, तो उसमें अगर आप पूरा हाथ अपना ऊपर ले जाके लॉक नहीं करते हैं तो जज आपको कोई काउंट भी नहीं देता है। सो उस तरह के चैलेंज है। वो कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो आपको एक 10 मिनट तक, तो एंड्योरेंस जो है उसमें बहुत एंड्योरेंस, मेंटल जो है आपकी स्ट्रेंथ वो बहुत ज़्यादा काम करती है। कोचिंग तुसी ने किसी कोच तो ली है या फिर ऑनलाइन? देखिए, कोचिंग मेरे कोच हैं, मेरे कोच अंशुल तारावत मैम हैं, वो गुड़गांव में हैं, वो वहीं से मुझे ऑनलाइन ट्रेन करते हैं। ओलंपिक तक कदों जा सकती है खेड, की लगता फेडरेशन की कह रही है? देखिए, ओलंपिक में तो तभी जा सकती है जब धीरे धीरे करके गेम आगे बढ़ेगी। पहले एशियन लेवल तक जाएगी, उसके आगे बढ़ेगी, तो भी ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं बता सकते जिसमें कि आप बोलें कि इस समय तक ये आगे जाएगी। तो आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत आते हैं इसके अंदर, क्योंकि कोई स्पॉन्सर्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, तो आप अपना जितना भी अपना ट्रेनिंग हो गया आपका, या आपका ट्रैवल हो गया, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करने में, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को आगे आने से रोकता है। किर्गिस्तान दे विच कैटलबैल दी वर्ल्ड चैंपीयनशिप हुई तो उत्थे डेराबस्सी दी रहन वाली सुषमा बाजवा ने 4 गोल्ड मैडल जिते ने। 4 गोल्ड मैडल जित के पूरे इलाके दे विच, पूरी दुनिया दे विच बल्ले बल्ले करवा दिती है। तो अज हर कोई इन्हां दी इस मेहनत ते माण महसूस कर रहा है। तो ये भी गल है कि पंजाब, चंडीगढ़, पंचकूला जिहड़े नेड़ले इलाके ने, कोई भी कैटलबैल का खिडारी नहीं, इकलौते खिडारी ने कैटलबैल दे। भी माण इन्हां दे हिस्से आउंदा है। साडे नाल मौजूद ने, गलबात करदे आ। बहुत बहुत स्वागत है रोजाना स्पोक्समैन ते। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक, तुसी भारत का नाम पूरी दुनिया ते चमकाया। थैंक यू सो मच। सब तो पहला मैनू ये दसो कि कितना टफ कॉम्पीटिशन सी? टफ कंपटीशन बहुत है बिकॉज इस कंपटीशन में 12 जो है कंट्रीज से एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और 600 से ज़्यादा एथलीट्स से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सब अपने अपने अलग अलग वेट कैटेगरी में लिफ्टिंग करते हैं, और बहुत ही सॉलिड और तगड़ा कंपटीशन होता है। जी हाँ जी। कितनी टीमें सी? मुल्क 12 टीमें हैं। हाँ जी, 12 देश ने जो है पार्टिसिपेट किया था। एक ये भी गलबात तुसी कर रहे थे, जिस तरह मैं दस्या कि पंजाब दे विच ना चंडीगढ़ ना पंचकूले दे विच कोई होर खिडारी नहीं है कैटलबैल दा, की कारण मानदे इस दे विच तुसी इकलौते ही हो? हाँ जी, ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की भी बात है कि मैं इकलौती हूँ, लेकिन हम जिस तरह से इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने देश में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। देखिए, पंजाब के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं आया है जिन्होंने जो आगे बढ़ के इस स्पोर्ट को पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि उसकी कोई जानकारी है नहीं। बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर कोई सीखना चाहेगा तो डेफिनेटली सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेंगे। कारण की लगता तुहानू क्यों नहीं इस गेम दे विच खिडारी आ रहे, कि कोई भविष्य दे विच कोई नहीं है अपॉर्चुनिटी कोई? हाँ जी, देखिए, जो ये हमारा स्पोर्ट है ये अभी उस तरह से ओलंपिक लेवल पे भी रिकग्नाइज नहीं है। सो जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी पहुंच बढ़ेगी लोगों तक, तो शायद से आगे जाके लोग खेलना शुरू करेंगे और पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। तो हम शायद से अभी हमारी सही जिम्मेदारी और सही टाइम है कि हम इसको आगे को बढ़ाएं। तुसी किन्ने क समय पहले इस गेम दे विच आए, किन्नी मेहनत करनी पी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए? हाँ, मेहनत तो देखिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज इंडिविजुअल स्पोर्ट है, और पूरा पूरा आपका फिजिकल कमिटमेंट जो है वो मांगता है। आपको अपनी जो है वर्कआउट से लेके, अपनी लिफ्टिंग से लेके, अपने खान पान से लेके हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तब जा पा के बहुत, क्योंकि बिकॉज हैवी वेट्स हैं तो केयरफुल भी बहुत रहना पड़ता है कि आप किसी तरह की कोई इंजरी ना ले लें। इंजरी की समस्या होती है बीच? हाँ जी, इंजरीज बहुत होती हैं क्योंकि वेट लिफ्टिंग है एंड पूरा जो है हम, अगर मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो जैसे हम पावर लिफ्टिंग करते हैं तो उसमें हम एक बार अगर हम बारबेल में वेट डाल के लिफ्ट करते हैं, जैसे आपने जिम वगैरह में देखा होगा, तो हम एक बार लिफ्ट करते हैं वो वेट हमारा काउंट होता है। यहाँ पे हमारे को 10 मिनट तक जो है नॉन स्टॉप लिफ्टिंग करनी होती है। जो अगर आप अपनी बेल को हर बार उठा के हवा में लेके जा रहे हैं तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो किसी भी उस डिसिप्लिन को 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? हाँ जी, देखिए उसमें अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, जैसे स्नैच, जर्क, है ना। इसके बारे में मैंने जानकारी आपसे शेयर करूंगी जो कि आप यूज कर पाएंगे। तो उसको आपको हर बार जो है अपने हाथ को सर के ऊपर तक लेके जाना पड़ता है, जो आपकी बेल होती है उसके साथ। कितने किलो दी होती है बेल? हाँ जी, तो उसमें डिपेंड करता है आप क्या वेट उठा रहे हैं। जैसे हम लोग ने, मैं वेटरन कैटेगरी में खेलती हूँ, मेरे को बेल लिफ्टिंग का स्टार्टिंग वेट 16 kg था। तो जो मैंने अपने लिफ्ट करी जिसमें मैंने एक हाथ इस्तेमाल किया उसमें 16 kg की बेल थी। तो उसमें आप एक बार अपना हाथ चेंज कर सकते हैं 10 मिनट के दौरान, बार बार हाथ चेंज नहीं कर सकते, एक ही बार बीच में स्विच कर सकते हैं। और जो डबल बेल मैंने इस्तेमाल करी वो 16 kg और 16 kg, 32 kg टोटल वेट जो है वो आपको एक बार में उठा के ऊपर ले जाना होता है। तो उसमें अगर आप पूरा हाथ अपना ऊपर ले जाके लॉक नहीं करते हैं तो जज आपको कोई काउंट भी नहीं देता है। सो उस तरह के चैलेंज है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो आपको एक 10 मिनट तक। तो एंड्योरेंस जो है उसमें बहुत, एंड्योरेंस, मेंटल जो है आपकी स्ट्रेंथ, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। जेडे 4 गोल्ड मेडल जीते हो सी, किड़े-किड़े वर्गा दे विच तुसी ने पार्टिसिपेट कीता? फिर देखिए मैंने 68 प्लस वेट कैटेगरी में अपनी लिफ्टिंग करी है, और क्योंकि मैं विमेन वेटरन कैटेगरी में आती हूँ तो मैंने बायथलॉन, स्नैच, जर्क और एक हमारा टीम रिले था जिसमें हमारे कंट्री से हम 4 लड़कियाँ थी जिन्होंने लिफ्टिंग एक साथ, एक टीम रिले इवेंट होता है जिसमें आप बैक टू बैक लिफ्टिंग करते हैं 12 मिनट के लिए। सो वो हमने खेला था। इंडिया के कुल कितने खिलाड़ी थे? कितों कितों के रहने वाले थे? बाकी हमारे साथ में 7 एथलीट्स थे हम लोग। 2 एथलीट्स हमारे हरिद्वार से थे और 3 हमारे गुड़गांव से थे, 1 मैं यहाँ से थे। हाँ जी। प्रैक्टिस कितनी करते हो रोज? कितना समय इस गेम को देने हो कि है ना थोड़ी गेम बढ़िया? देखिए जो, हाँ जी, जैसे जो हमारा स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग है वो कम से कम भी हम 2 से 3 बार जो है हफ्ते में पक्का करते हैं, जो स्पोर्ट्स की हमारी लिफ्टिंग होती है। उसके अलावा कम से कम हफ्ते के 6 दिन तो है जाते हैं जो आपकी फिटनेस, बाकी फिटनेस ट्रेनिंग है। कितना जिस तरह तुसीं दस्सिया भी हफ्ते दे विच इस तरह फिटनेस दे लई भी वर्क करना पैंदा, तो औखा कितना क हुंदा बाकी घर दे रजेमियां दे विचों ये चीज़ बल टाइम कढ़ना? हाँ जी, देखिए घर में रहते हुए आप सिर्फ अपना काम नहीं कर सकते हैं। एंड क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ, सो मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, सेशंस हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं वो भी सब यहीं से मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ या ऑनलाइन कनेक्ट करती हूँ। तो घर में रहते हुए जब आपके घर की घंटी भी कंटिन्यूसली बज रही होती है तो आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट उसके साथ में ही घर वालों का सपोर्ट होता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लिफ्टिंग कर रहे होते हैं अपनी तो बाकी लोग सपोर्ट डेफिनेटली करते हैं, उसके बिना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किन्ने साल पहला इस खेड दे विच अपनी किस्मत जमाउण दे लई आए तुसीं? मैंने शुरुआत जो अपनी करी थी इस खेल में वो 2019 में करी थी, और 2022 में इंडिया ने हमारी जो केटलबेल स्पोर्ट्स इंडिया एसोसिएशन है उन्होंने ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करी थी विश्व लेवल पे। तो उसमें मैंने वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट किया था उस समय में। उसके बाद 2023 में मैंने उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जिसमें मैंने 1 गोल्ड मेडल अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जीता था और 1 गोल्ड मेडल अपना वर्ल्ड गेम्स के अंदर जीता था। और इस साल जो है मैंने अपने किर्गिस्तान में चैम्पियनशिप खेली है और 4 गोल्ड मेडल जो है मैंने डिफरेंट डिसिप्लिन में हासिल किए हैं। केड़ी वो चीज़ सी? गेमां तां होर भी बहुत ने, किस चीज़ ने तुहानू प्रभावित किया कि इस गेम वाल ही आना? केड़ी वो घटना सी? देखिए थोड़ा सा कोई नई चीज़ जब आप देखते हैं तो उसको देख के थोड़ी सी एक आप थोड़े जिज्ञासु होते हैं कि ये क्या नई चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं कि नहीं। और हम ऐसे उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे आप अपने आप को चैलेंज करने से पहले बहुत बार सोचोगे कि क्या ये सही समय है कि आप किसी ऐसे यू नो स्ट्रेंथ बेस्ड फिज़िकल स्पोर्ट के अंदर जा रहे हैं। तो चैलेंजेस तो बहुत थे, बट वो चैलेंज जो है वो एक आपको अलग तरह का थ्रिल देता है। सो वो एक एक्साइटमेंट थी कि कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। सब तो पहला मेडल कितने जीते ऐसे? मैंने अपना सबसे पहला मेडल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोविड के दौरान शुरू किया था, तो हम उस समय ऑनलाइन काफ़ी सारे, क्योंकि उस समय पे फिजिकल प्लेटफॉर्म्स नहीं अलाउड थे, तो ऑनलाइन मैंने काफ़ी सारे शुरू किए थे। लेकिन हमारी एक फेडरेशन जो है हमारी KSIA, उनका एक नेशनल लेवल पे इवेंट था, उसमें मैंने अपना फर्स्ट मेडल जो है वो हासिल किया था। उस तो बाद फिर हौसला और बढ़ गया होना जो? हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद हौसला और बढ़ता गया। और जब आपको जितना लोग प्रोत्साहन देते हैं आगे से, उसके बाद आप नई ऊंचाइयों को छूने की बिल्कुल उड़ान भरते हैं। इस तो पहला केड़े केड़े मेडल जीते, जिस तरह हम तुसी वर्ल्ड चैंपियनशिप दे विच 4 गोल्ड मेडल लेके हो, पहला केड़े केड़े जीते? मैं देख रहा सी मेडल काफी पए ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। हाँ जी, मेडल मैं जैसे आपको बताया, हमारी एशियन चैंपियनशिप्स जो होती हैं और हमारे कुछ क्लब्स होते हैं जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, तो उसके बीच में मैंने जीते हैं। बट अगर आप मेरे इंटरनेशनल लेवल के बात करें हम, तो वो मेरे 3 साल के आपको गिनाए जो हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जीते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚ्युनिटी ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ, ਇਸ ਖੇਡ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਰਹੇ? देखिए, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है स्पोर्ट को सीखने के लिए। आपको अपने साथ में कोई टीम नहीं चाहिए, आपको 4 लोग नहीं चाहिए जिनके साथ में आप ये स्पोर्ट खेलेंगे। आप खुद अगर आज चाहें तो आपके पास अगर सिर्फ एक केटलबेल है और आप घर में अपने आप को ट्रेन करना शुरू करना चाहते हैं, तो आप वहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको स्पेशली कोई जाके जिम का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें चैलेंज बस यही है क्योंकि इस स्पोर्ट के बारे में बहुत जानकारी नहीं है लोगों को इस समय पे, तो आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत आते हैं इसके अंदर, क्योंकि कोई स्पॉन्सर्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो आप अपना जितना भी अपना ट्रेनिंग हो गया आपका, या आपका ट्रैवल हो गया, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करने में, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को आगे आने से रोकता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? देखिए, चुनौतियां तो बहुत थी, और मेजरली मैं ये बोलूँगी क्योंकि मैं एक होममेकर भी हूँ, तो चुनौतियां घर से ज़्यादा आती हैं, बिकॉज़ आपको अपना घर भी संभालना है, अपना प्रोफेशनल काम भी करना है, और साथ साथ क्योंकि आपका अपने स्पोर्ट की तरफ पूरा डेडिकेशन है, तो आपको उसको भी पूरा टाइम देना है। चुनौतियाँ बहुत आती हैं, लेकिन अगर चैलेंजेस नहीं होंगे लाइफ में तो फिर हमें आगे बढ़ने में कोई चैलेंज नहीं। ओलंपिक तक कदों जा सकती है खेड, की लगता फेडरेशन की कह रही है? देखिए, ओलंपिक में तो तभी जा सकती है जब धीरे धीरे करके गेम आगे बढ़ेगी, पहले एशियन लेवल तक जाएगी, उसके आगे बढ़ेगी। तो अभी ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं बता सकते जिसमें कि आप बोलें कि इस समय तक ये आगे जाएगी, बट बहुत ब्राइट चांसेस हैं। अपकमिंग स्पोर्ट है, आने वाले समय में डेफिनेटली आप लोगों को देखेंगे इस खेल में। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, मेजरली तो सुधार तो थोड़ा आगे की बात हो जाएगी अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि अभी इतनी जानकारी नहीं है लोगों को। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि एक एक्सपोजर की ज़रूरत है स्पोर्ट को। जैसे आप आज आए हैं, हमें ऐसे मीडिया में या हमें और सोशल मीडिया में ऐसे लेवल पे हमें इसको स्प्रेड करेंगे, लोगों को जानकारी मिलेगी। जैसे बच्चे देखते हैं स्कूल के, सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम कहते हैं कि जैसे हम बाकी देशों को देखते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। तो जब स्कूल लेवल पे अगर इसको इंट्रोडक्शन मिलेगा और वहाँ पे इसको खिलाया जाएगा, तो धीरे धीरे करके जैसे ब्राइट एथलीट्स हैं वो निकल के आएंगे। कोचिंग तुसी ने किसी कोच तो ली है या फिर ऑनलाइन? देखिए, कोचिंग मेरे कोच हैं, मेरे कोच अंशुल तारावत मैम हैं, वो गुड़गांव में है, वो वहीं से मुझे ऑनलाइन ट्रेन करते हैं, क्योंकि हम दोनों के चैलेंजेस हैं। वो भी एथलीट हैं, और तो हम लोग एक सिटी में आके ट्रेन नहीं कर सकते, बट हम ऑनलाइन जो है मैं उन्हीं के साथ ट्रेन करती हूँ। प्रसार किमें हो सकता इस खेड का, किस तरीका है, किड़ा वो चीज़ा ने जी इस गेम को होर बढ़ा सकते हैं, होर इस नाल खिडारी जोड़ना? हाँ जी, देखिए एक तो हम अभी जो मीडिया में और जो हम लोगों की जितना भी हम लोगों को एक्सपोजर मिला है हम उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे जनरेशन देखे, लोग देखें, वो इसको एक्नॉलेज करें और जिन लोगों में उत्सुकता है इसको सीखने की वो अगर हमसे रीच आउट करना चाहते हैं, हमारी जो फेडरेशन है KSIA वो बहुत सपोर्ट करती है जो बच्चे सीखना चाहते हैं और हम एथलीट्स को जितना भी हम उनसे प्लेटफॉर्म हमें मिलता है हमारी कंट्री में और बाहर जाके भी जो हम अपनी फेडरेशन के नाम से आगे बढ़ते हैं वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो मैडल जित गए सी चार, सब तो पहला फोन किनू किया, सब तो पहला गलबात की? देखिए जब मेडल जीते थे तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो जब मेडल मिल रहा था तो सर को मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था एंड वीडियो कॉल पे वो थे तो सबसे पहले कॉल तो उन्हीं को किया था मैंने। मम्मा नाल भी गल हुई फिर? हाँ जी, उनको भी, फिर आगे वापस आने के बाद फिर उनको भी सारे फैमिली को सबको बताया था। हाँ, वर्ल्ड चैंपियन दे विच तां गोल्ड मेडल तुसीं ने इकट्ठे एक नहीं चार जित लेने, तां अगे हुण की टारगेट रहने वाला, की लगदा की अचीवमेंट अगे जाना है? आगे देखिए अभी जब तक हम कहते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ स्पैन छोटा होता है, हमारे स्पोर्ट में ऐसा नहीं है बिकॉज अलग कैटेगरीज हैं और हमारा स्पोर्ट हमें अलाउ करता है कि हम वेटरन में, सीनियर एथलीट्स में खेल सकें, तो हम जो है जब तक खेल सकेंगे तब तक हम अपने आप को रेडी रखेंगे, प्रिपेयर्ड रखेंगे खेलने के लिए और उसके आगे अगर हम इस स्पोर्ट में अपना योगदान देके बच्चों को, बड़ों को जो भी सीखना चाहे उनको अगर किसी तरह का योगदान दे सकेंगे उसके लिए बिल्कुल ओपन। तानू देख के कोई इस गेम बल आने के लिए तैयार होया भी जिसमें तुसी कहो भी आया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हो ट्रेनिंग? हाँ जी, हाँ जी। कितने बच्चे ट्रेनिंग दे रहे हो? बच्चे नहीं हैं, मैं मतलब मेरे ही उम्र के हैं बट सीखना शुरू किया है क्योंकि उनको भी बहुत उत्सुकता हुई देख के और इंटरेस्ट पैदा हुआ। सो वो भी आर्मी परिवार दे बच्चे? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी उन्होंने भी लग्या भी आप भी ये गेम दे विच बढ़िया कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि कोई उम्र नहीं होती है कुलदीप किसी भी स्पोर्ट की, बिल्कुल नहीं होती। आपके अंदर अगर वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो कोई उम्र नहीं है और कोई उम्र आपको रोक नहीं सकती कुछ भी करने से। बिल्कुल सर, जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही शब्द आपने यूज किया, जज्बा होना चाहिए, सब चीज हो जाती है। होर किहड़े तरीके दे नाल खेडी जांदी है गेम, ये किहड़े चीज़ां ने, होर किन्ने पड़ा हुंदे ने, किन्नी कैटेगरी हुंदी है इसदी? देखिए कैटेगरीज इसके अंदर जैसे अगर आप बोलें तो वेट कैटेगरी होती है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब आपका बॉडी वेट कैटेगरी जो है वो होता है। उसके बाद में जो आप बेल्स उठाते हैं उसकी एक वेट कैटेगरी होती है कि आप कितना बेल का वेट है वो उठा रहे हैं, है ना, और उसके बाद में आपका कितनी बारी आपने उठाया, कितना समय आपने पूरा किया और आपकी कैटेगरी में कितने लोग और हैं आपके साथ कॉम्पिटिशन में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, समा देवी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो बाजवा मैम साडे नाल गलबात कर रहे सी तां कई चीज़ां उन्होंने इस गेम के बारे दसियां ने कि किस तरीके दे नाल इस खेड का प्रसार हो सकता है। तो बंदे दे विच जनून चाहिदा, जज्बा चाहिदा, तो फिर सारिया औकड़ों नूं सर कर दिंदा। भावें कि इन्होंने कहा कि चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा आउंदियां ने, कई बार जो कोई भी आप सफ़र आरंभ करते हैं तो उन्होंने चुनौतियों को चीर के सफ़र तक पहुँचना ही चंगे जोड़े खिडारी की पहचान होंगी। इस तरीके दे नाल इन्होंने 4 गोल्ड मैडल जोड़े जिते ने, पूरे भारत का नाँ पूरी दुनिया के चमकाया, अपने मापिया का नाँ, अपने परिवार का नाँ, इलाके का नाँ, डेराबस्सी का नाँ भी अज जानते हैं लोग कि वो कुड़ी ऐसी एक धी है जिसने पूरी दुनिया के इलाके का नाँ रोशन किया है। तो हर कोई इन्हों मुबारक भी दे रहा, तो अगे भी भविष्य के इस खेड में ये जारी रखन जा रहे हैं। तो नवें खिडारियों भी इन्होंने कहा कि इस खेड के नाल जुड़ो, तो भविष्य भी इस खेड के काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। साथी सनी के नाल कुलदीप सिंह पूड़ी, रोजाना स्पोक्समैन TV, डेराबस्सी।